नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मवीर स्वराज है। मेरे पास गैलेक्सी A7 2018 और गैलेक्सी A9 2018 फुल कंपैरिजन के लिए। एक डिवाइस में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक्सिनोस का 7885 प्रोसेसर, तो दूसरे मिलते हैं 4 कैमरे और स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर। तो 10-12-14 हज़ार रुपये जब आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, ये इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनबॉक्स आइटम से। तो गैलेक्सी A9 2018 में आपको मिलता है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का एक फास्ट चार्जर, तो वहीं A7 2018 में आपको मिलेगा 5 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर का एक नॉर्मल एडेप्टर। दोनों ही डिवाइसेस में आपको इन ईयर हेडफोन मिल जाएगा, लेकिन A9 2018 में आपको एक सिलिकॉन कवर भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो कि A7 2018 में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन की। तो दोनों ही डिवाइसेस एकदम प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं, यानी कि होल्ड करने पर आपको लगेगा कि वाकई आपने एक प्रीमियम डिज़ाइन का फ़ोन पकड़ा हुआ है। इसके अलावा डिज़ाइन की बात करें तो वो भी आज के ट्रेंड को फॉलो करता है, मतलब दोनों ही डिवाइसेस के बैक पर आपको मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वैसे तो मुझे A7 2018 का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब कंपेयर करें दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन को तो यहाँ मुझे A9 2018 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो भी उसमें जो शेडेड कलर हैं, मतलब ऊपर से कुछ और नीचे की तरफ शेड में दिया गया जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है A9 2018 में। हालांकि A7 2018 का डिज़ाइन भी एकदम कमाल का है। A7 2018 में आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, तो वही A9 2018 में आपको मिल जाएगा टाइप सी पोर्ट। दोनों ही डिवाइसेस में आप दोनों सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। A7 2018 में आपको पावर की के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जबकि A9 2018 में फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पर दिया गया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो A9 2018 का फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा फास्ट है। डिज़ाइन एक ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है, तो दोनों ही डिवाइसेज एकदम कमाल के डिज़ाइन के साथ आते हैं। अभी आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। वैसे कलर्स की बात करें तो वो A9 2018 के बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले की। तो A7 2018 में आपको मिलता है 6 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका पीपीआई है 411। तो वहीं A9 2018 में आपको मिलेगा 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और इसका पीपीआई है 392। दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिल जाता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो कलर प्रोडक्शन एकदम कमाल रहेगा। इसके अलावा बात करें ब्राइटनेस की तो वो भी दोनों ही डिवाइसेस की अमेजिंग है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में आप दोनों ही डिवाइसेस को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। यहाँ मैं एक बात और बोलूंगा जो मैंने पिछले रिव्यू यानी कि A7 2018 वर्सेस गैलेक्सी 8 स्टार के रिव्यू में बोली थी, यानी कि A7 2018 की डिस्प्ले का पीपीआई थोड़ा सा हाई है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि दोनों ही डिवाइस की डिस्प्ले में कुछ डिफरेंस नज़र आए। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में मुझे दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले बिल्कुल सेम लगी। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के यूआई फीचर्स की। तो दोनों ही डिवाइसेस रन करते हैं एंड्रॉयड 8.0.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और यहां आपको मिलेगा दोनों ही डिवाइस में सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0। बात करें अगर फीचर्स की तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको स्मार्ट स्टे मिल जाएगा, गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स मिल जाएगा, इसके अलावा मल्टी विंडो मिल जाएगा, उसमें भी एडवांस मल्टी विंडो यानी कि पॉपअप मल्टी विंडो। चैट ओवर वीडियो भी दोनों ही डिवाइसेस में दिया गया है, इसके अलावा डुअल मैसेंजर भी आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाएगा। ये है दोनों ही डिवाइसेस का क्विक एक्सेस पैनल, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिक्योर फोल्डर, ब्लू लाइट फिल्टर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसके अलावा डॉल्बी ऑटम्स भी दोनों ही डिवाइसेस में दिया गया है, लेकिन ये केवल हेडफोन पर वर्क करता है। इसके अलावा आपको A9 2018 में NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि A7 2018 में नहीं है, लेकिन सैमसंग पे का दोनों ही डिवाइस में मिनी वर्जन दिया गया है, यानी कि NFC होने के बावजूद भी A9 2018 में आपको सैमसंग पे नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की। तो A7 2018 में रियर पर मिलते हैं आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, तो वहीं A9 2018 में मिलेंगे रियर पर 4 कैमरे, लेकिन फ्रंट पर दोनों ही डिवाइस में सिंगल सिंगल कैमरा दिया गया है। बात करें अगर स्पेसिफिकेशंस की तो A7 2018 में प्राइमरी कैमरा दिया गया है 24 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.7, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शॉट के लिए, और तीसरा 5 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए। सेम स्पेसिफिकेशन आपको A9 2018 में मिल जाते हैं, यानी कि प्राइमरी कैमरा 24 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शॉट के लिए। इसके अलावा जो चौथा कैमरा दिया गया है A9 2018 में, वो दिया गया है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो कि काम आएगा जूम करने के, उसके जरिए आप 2x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, ब्यूटी इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड रियर और फ्रंट दोनों के लिए, इसके अलावा सुपर स्लो मोशन, फास्ट मोशन और AR इमोजी, ऑटो HDR जैसे कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो A7 2018 से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन A9 2018 में आपको अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस में OIS नहीं दिया गया है, केवल EIS दिया गया है, लेकिन A9 2018 में जब आप अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उस कंडीशन में EIS वर्क नहीं करेगा, EIS केवल वर्क करेगा फुल HD वीडियो तक ही।
कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहला तो A9 2018 में आपको बेनिफिट मिलेगा 2x ऑप्टिकल जूम का, जो कि A7 2018 में नहीं है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी लगा। यानी कि परफॉर्मेंस देखिए, उतनी ज़्यादा कमाल तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आपको प्राइमरी कैमरा यानी कि 24 मेगापिक्सल वाले कैमरे से मिलती है, लेकिन फिर भी जो डिजिटल जूम में आपकी पिक्चर ब्लर हो जाती है, डिटेलिंग अच्छी नहीं आती, वो इशू आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। एकदम अच्छी परफॉर्मेंस से आप 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, उसके बाद 6x तक डिजिटल जूम कर सकते हो, और कुछ परफॉर्मेंस इस तरीके की हो जाती है आपकी, यानी कि 8x तक आप टोटल जूम कर सकते हो। अगर आप 2x तक ऑप्टिकल जूम करते हो तो वहाँ परफॉर्मेंस में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए तो A9 2018 एकदम कमाल है। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइस के वाइड एंगल शॉट की। तो वाइड एंगल शॉट मुझे दोनों में से किसी भी डिवाइस का पसंद नहीं आया, क्योंकि जब आप वाइड एंगल शॉट पर फोटो लेते हो तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर चला जाता है। उस कंडीशन में आपकी 120 डिग्री की फोटो तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन उसमें डिटेलिंग उतनी ज़्यादा कमाल देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपके पास पीछे जगह है तो आप एक कदम दूर जाकर अगर प्राइमरी कैमरे से अपना फोटो कैप्चर करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एज कम्पेयर टू इस वाइड एंगल शॉट के। वेल, अभी दिया तो यहाँ कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही लगभग सेम है। ये हैं कुछ डेलाइट में कैप्चर किए कुछ फोटोज़, और यहाँ बात करें अगर एक्सपोजर लेवल और डिटेलिंग की तो वो मुझे A7 2018 में ज़्यादा अच्छी नज़र आई। सारे टोटल फोटोज़ हैं ये, और यहाँ ज़्यादातर पिक्चर्स में A7 2018 में एक तो एक्सपोजर लेवल एकदम बैलेंस देखने को मिला है। कलर टोन की बात करें तो वो दोनों में ही नेचुरल देखने को मिलेगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिटेलिंग की बात करें तो वो भी A7 2018 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सपोजर लेवल किस तरह से मेंटेन होता है A7 2018 में, उसके लिए आप ये डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर किए गए फोटोज़ और देख सकते हो। यहाँ भी आप देख सकते हो A9 2018 के पिक्चर्स ओवर एक्सपोज्ड हैं, तो वहीं A7 2018 में एकदम बैलेंस एक्सपोजर लेवल देखने को मिल रहा है। तो डेलाइट में मैक्रो शॉट के लिए मैं जाऊँगा A7 2018 की तरफ। लोलाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ A9 2018 का पिक्चर आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा होगा एज कम्पेयर टू A7, लेकिन A9 के पिक्चर में थोड़ा सा नॉइज़ है, जबकि A7 में नहीं है। लाइट थोड़ा सा और कम कर देते हैं तो आप डिफरेंस बिल्कुल कम्प्लीटली देख सकते हो कि A7 2018 का पिक्चर अब ज़्यादा ब्राइट है, जबकि A9 के पिक्चर में नॉइज़ भी बढ़ गया और उतना ब्राइट भी नहीं है। लाइट थोड़ी सी और कम कर देते हैं तो आप यहाँ अब देख सकते हो डिफरेंस आपकी आंखों के सामने है, यानी कि A7 2018 लो लाइट के लिए A9 को कम्प्लीटली बीट करता है। अब बात करते हैं रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की। तो ये हैं दोनों ही डिवाइसेस के सैंपल। यहाँ मुझे A9 2018 एकदम कमाल लगा। एज डिटेक्शन की बात करें तो वो तो दोनों का ही कमाल है, किसी तरह कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन A7 2018 के पिक्चर्स में डायनेमिक रेंज का थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है। यानी कि दोपहर के टाइम जब आप फोटोज़ कैप्चर करते हो तो आपकी स्किन कुछ ब्लैक सी हो जाती है, जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, लेकिन उन्हीं कंडीशन में A9 2018 में एकदम कमाल की फोटोज़ देखने को मिलेगी। ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड के लिए मुझे A9 2018 ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू A7। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, और ये हैं फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड के कुछ सैंपल। सबसे पहले बात करें अगर एज डिटेक्शन की तो वो दोनों ही डिवाइस में एकदम कमाल देखने को मिलेगा। यानी कि सिंगल कैमरा होने के बावजूद दोनों ही डिवाइस की परफॉर्मेंस एकदम कमाल है, लेकिन 100% ये अच्छा वर्क नहीं करता है, कभी कभी ये फेल होता है, और ये दोनों ही डिवाइस में लगभग सेम है। बात करें स्किन टोन की तो वो आपको दोनों ही डिवाइस में बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेगी। अभी आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है। ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो A7 2018 का मुझे ज़्यादा अमेजिंग लगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ भी ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि हो सकता है आपको A9 2018 का ब्यूटी इफेक्ट ज़्यादा पसंद आए, आपको A9 2018 की सेल्फी ज़्यादा पसंद आए। डिटेलिंग में दोनों ही कमाल है, किसी तरह का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर लो लाइट सेल्फी की यानी कि नाइट सेल्फी की, तो यहाँ A7 2018 कमाल है, क्योंकि वहाँ पर आपको LED फ्लैश का सपोर्ट मिलता है, जबकि A9 2018 में केवल स्क्रीन फ्लैश ही दिया गया है। तो डिटेलिंग नाइट सेल्फी में आपको A7 2018 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू A9। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ A9 2018 एकदम कमाल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जो कि A7 2018 में सपोर्ट नहीं करता है। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइस में EIS दिया गया है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है A9 2018 में OIS तो होना ही चाहिए था। वेल, अगर इन्हीं कंडीशन पर केवल फुल HD वीडियो को कंपेयर करें तो दोनों में कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से A9 2018 की तरफ जाऊँगा। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के हार्डवेयर परफॉर्मेंस की। तो A7 2018 में आपको मिलता है Exynos का 7885 प्रोसेसर, और ये डिवाइस आता है दो वेरिएंट में, 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी, प्राइस अलावा 22,000 रुपये, और दूसरा वेरिएंट 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी, और इसका प्राइस अलावा 26,000 रुपये। वहीं बात करें A9 2018 की तो यहाँ आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, और यहाँ भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं,
पहला वेरिएंट मिलता है 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी का, इसका प्राइस है लगभग 37,000 रुपये। और दूसरा वेरिएंट मिलता है 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी का, और इसका प्राइस है लगभग 40,000 रुपये। अब 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी वाले अगर वर्जन को कंपेयर करें तो लगभग दोनों ही डिवाइसेज में 11,000 रुपये का डिफरेंस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज आपके डेली टास्क को तो आराम से हैंडल कर ही सकते हैं, क्योंकि Exynos 7 भी एकदम कमाल का प्रोसेसर है और डेली यूज़ में तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा A7 2018 में भी। मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो वहाँ A9 2018 A7 को कम्प्लीटली बीट करता है। फिर चाहे बात हो वो ग्राफिक्स की, चाहे वो स्मूथ परफॉर्मेंस की, देखो छोटे छोटे गेम्स की बात करें या फिर बात करें मीडियम ग्राफिक्स की गेमिंग की, तो वहाँ तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाई एंड गेमिंग में, इसके अलावा हाई ग्राफिक्स गेमिंग में A9 2018 A7 को कम्प्लीटली बीट करता है। अगर बैटरी बैकअप की तो A9 2018 में आपको मिलती है 3800 mAh की बैटरी, तो वहीं A7 2018 में आपको मिलेगी 3300 mAh की बैटरी। अब इन नंबर्स पर भरोसा ना भी करें तो मैंने पर्सनली यूज किए हैं, तो वहाँ A9 2018 का बैटरी बैकअप मुझे A7 से ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि A7 को भी आप बड़े आराम से एक दिन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कंपेयर करें दोनों को आपस में तो वहाँ A9 2018 ज़्यादा अच्छा है। अब 6GB 128GB वाले अगर वेरियंट को दोनों को कंपेयर करें तो 11,000 आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा A9 में। अब उस 11,000 के बदले आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा टेलीफोटो लेंस एक्स्ट्रा, जो कि वाकई अमेजिंग है। एक बार को वाइड एंगल कैमरा नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो टेलीफोटो लेंस उन्होंने दिया है 2x ऑप्टिकल जूम का, वो वाकई अमेजिंग है और आपके वो काम भी आएगा। इसके अलावा आपको मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तीसरा मिल जाएगा NFC का सपोर्ट, इसके अलावा अल्ट्रा HD वीडियो भी आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो, और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, इसके अलावा रियर कैमरे से अच्छा पोर्ट्रेट मोड भी आप क्रिएट कर सकते हो दोपहर के टाइम, जो कि डायनेमिक रेंज का थोड़ा सा इश्यू लगा मुझे A7 में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो कि जनरली मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि जब आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलनी चाहिए, जो कि A7 और A8 Star में नहीं थी। तो यहाँ एक्स्ट्रा पैसा पे करने पर आपको चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है 11,000 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अब आप मतलब खुद सोच सकते हो, मैंने बस कंपेयर करके आपको बता दिया कि A7 और A9 में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आप A7 खरीदते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, या अगर आप A7 से A9 खरीदना चाहते हो तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि आज ये प्राइस है, कल जब आप वीडियो देखो हो सकता है 3-4 महीने बाद प्राइस कम हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर आप देखना चाहते हो कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो बस यही मैंने बता दिया। अभी आपके पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं और कौन सा फ़ोन आपको लेना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।